A very good morning to all of you. You all are most welcome in today's class. Today we will start a new topic, that is petty cash book. Cash book mein hum logon ne double column cash book padha, single column cash book padha, double column cash book padha, triple column cash book padha. Yadapi ki double column cash book ka question hum logon ne zyada kiya hai, single column cash book ka kam question hua hai aur triple column cash book ka kam question hua hai. जनरली क्वेश्चन जो है हमारे डबल कॉलम कैश बुक से ही आते हैं. बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा. इसमें एक और कैश बुक आता है जिसको हम लोग कहते हैं पेटी कैश बुक. ये पेटी कैश बुक क्या होता है? पेटी एक्सपेंसेस भी होते हैं ना, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं. जैसे बिजनेस में डेली का कुछ खर्चा है, जो डेली का खर्चा है, जैसे कि पोस्टेज का हो गया, टेलीग्राम का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो गया, टेलीफोन कॉल का हो गया, कॉल कुरियर का हो गया, कुली चार्जेस हो गया, मोटर कार वाला जो खर्चा हो गया, डेली बिजनेस के काम से रोज आते हैं जाते हैं, व्हीकल फेयर हो गया. इस तरह से छोटे छोटे खर्चे जो है रोज होते रहते हैं बिजनेस में. और जो कैश बुक बनाई जाती है, अगर उस कैश बुक जो बनाता है, जो मेन कैश बुक जो कैशियर होता है, यदि ये सारी चीजें उन्हीं को दे दिया जाए तो उनका काम जो है बहुत, मतलब उसके ऊपर बहुत हेडेक हो जाएगा. जो बड़ा बड़ा कैश रिसेप्टर पेमेंट है उसका तो हो ही रहा है, ये जो छोटे छोटे, जैसे कभी साबुन की जरूरत पड़ गई, कभी बिजनेस के कार्य से बाहर चले गए, उसमें ऑटो चार्ज दिए, व्हीकल चार्ज दिए, कहीं बिजनेस के काम से गए, फिर कहीं चाय पी लिए, कहीं साबुन खरीद लिए, तो इस तरह से छोटे छोटे खर्चे जो है रोज होते रहते हैं. तो जो ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं इसको हम लोग कहते हैं पेटी एक्सपेंसेस. तो इसके रिकॉर्डिंग एक जगह की जाती है. ये भी बिजनेस से ही हो और बिजनेस के कार्य से ही तो किया जा रहा है खर्चा, तो इसकी भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है. तो इन छोटे छोटे खर्चों को एक अलग बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, और जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पेटी कैश बुक. द बुक इन विच All these petty expenses are recorded, that book is called petty cash book. तो कैशियर का जो काम हल्का करने के लिए एक दो उपाय है, या तो दोनों काम वो करे बारी बारी से. अब एक आदमी पर ज्यादा बोझ दे दिया जाए तो ओवरबर्डन हो जाएगा, उसके ऊपर ओवरलोड आ जाएगा और वो काम में मन नहीं लगाएगा, काम बिगड़ने के भी चांसेस होते हैं. मन ही नहीं लगेगा, मन से जब काम नहीं करते हैं तो आदमी मन काम जो है खराब होने लगता है. और अगर इस कार्य को हम बांट देते हैं, किसी एक दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाए जो कि इस छोटे छोटे खर्चे की रिकॉर्डिंग एक व्यक्ति करे, और बाकी जो बिजनेस के बड़े बड़े खर्चे हैं उसकी रिकॉर्डिंग कोई दूसरा व्यक्ति करे, तो जो बड़ा बड़ा कैश, जो बड़ा बड़ा वाला है कैश रिसिप्ट और पेमेंट, जैसा कि हम लोग कर रहे थे इसके पहले, तो उस तरह के जो कैश बुक मेंटेन करेगा उसको कहेंगे कैशियर. और जो इस छोटे छोटे खर्चे की रिकॉर्डिंग करेगा, जो पेटी कैश बुक को मेंटेन करेगा, उसको हम लोग कहेंगे पेटी कैशियर. तो पेटी कैश बुक में एम्प्रेस सिस्टम को फॉलो किया जाता है. एम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? तो एम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि पहले उसको कुछ अमाउंट दे दिया गया, कुछ एस्टिमेट कर लिया गया कि मान लीजिए आपको 5,000 रुपया दिया गया, और 5,000 रुपये कह दिया गया कि इस 5,000 रुपीज से आप जो है पूरे हफ्ते काम चलाइए. हर हफ्ते पे बनाया जा सकता है, हर महीने पे बनाया जा सकता है, डेली बनाया जा सकता है पेटी कैश बुक. मान लीजिए कि 5,000 रुपया पेटी कैशियर को दे दिया गया और कहा गया कि इस 5,000 रुपये में आपको पूरे हफ्ते का खर्चा चलाना है, आप जहाँ खर्च हो रहे हैं वहां पे लगाइए. मान लीजिए कि पेटी कैशियर, ये तो उसको अमाउंट रिसीव हो गया, इतना अमाउंट उसको दिया गया. कौन देता है? ये जो मेन कैशियर होता है ना, वो मेन कैशियर जो है पेटी कैशियर को, मान लीजिए कि 5,000 रुपया दे, इसको इतना रुपया मिला,
और पूरे हफ्ते में मान लीजिए कि ये 4,200 रुपीज जो है ये खर्चा कर लिया, ये स्पेंट हो गया, इतने का एक्सपेंस हो गया, इतना खर्चा हो गया। अब इसके पास कितना बच गया? इसके पास बच गया 800 रुपये, 800 रुपये बचा ना। तो फिर इसके पास पुराने जितना 5,000 रुपये स्टार्टिंग में दिया गया था, फिर मेन कैशियर क्या करेगा कि इसको 4,200 रुपये जितना खर्चा हो चुका वो पैसा फिर से दे देगा इसको। तो 800 रुपये पहले से बचा था, जितना खर्चा हुआ था 4,200 और दे दिया तो फिर 5,000 के बराबर हो गया। तो ऐसे करके हर हफ्ते जो है जितना खर्च हुआ, खर्च किए हुए अमाउंट को मेन कैशियर जो है पेटी कैशियर को दे देता है और कहता है कि आप जो है पूरे हफ्ते का या डेली का या हर महीने का आप इतने में काम चलाइए, इतने में आप खर्चा करिए, जो खर्च हो जाएगा हम दे देंगे, फिर आपका पूरे पुराने वाले अमाउंट के बराबर आ जाएगा, 5,000 का 5,000 हो गया। अब कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 5,000 होगा, यहाँ 10,000 भी हो सकता है, यहाँ 2,000 भी हो सकता है, यहाँ 3,000 भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन में अमाउंट दिया रहेगा। इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंप्रेस सिस्टम। तो पेटी कैशबुक का फॉर्मेट क्या होता है? देखिए पेटी कैशबुक जो है दो तरह के होते हैं। पेटी कैशबुक जो है दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो देखिए पेटी कैशबुक में एक होता है सिंपल पेटी कैशबुक, सिंपल पेटी कैशबुक, और एक होता है एनालिटिकल पेटी कैशबुक। एक सिंपल होता है और एक एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल होता है जो सिंपल पेटी कैशबुक होता है ना, समझ जाइए कि सिंपल कैशबुक के जैसे होता है। फर्क इतना होता है कि इसमें डेट का कॉलम और पर्टिकुलर का कॉलम कॉमन होता है, एक ही होता है, डेबिट साइड के लिए भी और क्रेडिट साइड के लिए भी एक ही होता है, दोनों में कॉमन होता है। लेकिन जब हम ये कैशबुक बनाते हैं तो इसमें डेबिट साइड का डेट कॉलम अलग होता है, पर्टिकुलर और डेट का कॉलम अलग होता है, और क्रेडिट साइड का भी डेट और पर्टिकुलर कॉलम अलग होता है, इतना ही अंतर होता है। इसका फॉर्मेट देखते हैं पेटी कैशबुक का, सिंपल पेटी कैशबुक का फॉर्मेट कैसे होता है। और इसके पहले आप लोगों पे एक क्वेश्चन सेंड किया हुआ है, एक जो बाद में क्वेश्चन सेल किया गया वो दो पार्ट में गया है, जो कि आप लोग कहते ना कि मैडम आप लोग क्वेश्चन भेज दीजिएगा। यस मैम, हम लोग दो दे देंगे। तो वो क्वेश्चन भेज दिए हैं जो कि हम लोग पिछले, यस मैम आ गया है। और एक क्वेश्चन पेटी कैशबुक का सेंड किए हैं, जिसको कि आज हम लोग, समय बचेगा तो सॉल्व किया जाएगा, नहीं बचेगा तो कल किया जाएगा। पहले सिंपल पेटी कैशबुक का फॉर्मेट देखिए, सिंपल पेटी कैशबुक। इसमें जो पहला कॉलम होता है ना बेटा, ये अमाउंट रिसीव का कॉलम होता है, दूसरा कॉलम होता है लेडजर फोलियो का, तीसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, चौथा कॉलम होता है वाउचर नंबर, और पांचवा कॉलम होता है अमाउंट पेड। अमाउंट पेड इसको हम कहेंगे अमाउंट रिसीव्ड, जो पैसा मिलेगा स्टार्टिंग में, और ये हो गया क्या लेडजर फोलियो LF, ये हो गया पर्टिकुलर से। पर्टिकुलर्स वाला थोड़ा और चौड़ा कर सकते हैं लेकिन हमने नहीं किया, पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा चौड़ा होता है। और ये हो गया वाउचर नंबर, वाउचर नंबर, और ये हो गया अमाउंट पेड, जो पेमेंट किया गया।
अमाउंट रिसीव्ड में जैसे हमने कहा कि यदि पेटी कैश बुक वीकली बनाई जा रही है तो पहले दिन इसको 5,000 रुपया दिया गया, 5,000 रुपया दिया गया तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू कैश, हमें कैश मिला हमने यहाँ पे लिख दिया टू कैश और यहाँ पे हमने अमाउंट दिखा दिया 5,000, अमाउंट हमें मिल गया 5,000 रुपया। उसके बाद अब जब पैसा मिला तो खर्चा होगा ना, जैसे मान लीजिए हमने कुछ एंटरटेनमेंट किया, बिजनेस के पर्पज से गए थे हमने कुछ एंटरटेनमेंट किया, यहाँ पे हमने लिख दिया एंटरटेनमेंट चार्जेस, हमने साबुन खरीदा बिजनेस के पर्पज से किए थे सोप, तो यहाँ पे सोप लिख दिया हमने, हमने कुली को पेमेंट किया तो यहाँ पे हमने लिख दिया कुली, हमने पोस्टेज खरीदा तो यहाँ पे हमने लिख दिया पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प हमने खरीदा, पोस्टेज स्टैम्प लिख दिया। तो देखिए रिसीव हुआ तो हम यहाँ पे दिखाएंगे और जितना हम पेमेंट कर रहे हैं ना सारा हम इधर दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए एंटरटेनमेंट हमने 100 रुपए में किया, हमने 25 रुपए का साबुन खरीदा, कुली को हमने 50 रुपया दिया, पोस्टेज स्टैम्प्स हमने मान लीजिए 120 रुपए का खरीदा। उसके बाद मान लीजिए कि हमने कुछ बिजनेस पर्पस से कुछ बात किया तो टेलीफोन चार्ज हमने दिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टेलीफोन चार्जेस, मान लीजिए हमने 20 रुपए का टेलीफोन चार्ज किया तो बात किया। तो जितना हम पेमेंट कर रहे हैं कहाँ लिख रहे हैं, अमाउंट पेड वाले कॉलम में, और जो अमाउंट रिसीव होगा तो कहाँ दिखाएंगे, अमाउंट रिसीव वाले। अब हो गया, इस तरह से हम बनाते हैं सिंपल पेटी कैश बुक, सिंपल पेटी कैश बुक। और यहाँ पे टोटल कर लेंगे, हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया तो टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे 5,000 की जगह पे अमाउंट कम ही कर देते हैं, मान लीजिए 2,000 कर देते हैं, 2,000। अब यहाँ पे टोटल किए हम लोग कितना आ गया, ये आ गया 5, 2, 4, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 1, carry 1, 1, 1, 2, 1, 3, 315 रुपीज जो है हमारा खर्चा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस सी बाई डी। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 2,000 में से 315 रुपए हमने खर्च कर दिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6 और ये बचा 1,685, यहाँ पे लिख देंगे 1,685, ये बैलेंस सी बाई डी हो गया। अब ये जितना खर्चा हो गया ना, अब जब हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये पूरे 2,000 हमारा हो जाना चाहिए, इधर 2,000 है इधर भी 2,000 हो गया, टोटल हो गया यहाँ पर। अब जितना यहाँ पे खर्चा हो गया ना, ये जितना खर्चा हो गया, मान लीजिए कि हम लोग वीकली बना रहे हैं तो अब इस वीक के एंड में मतलब लास्ट दिन रात में या तो अगले हफ्ते के एकदम मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में ही जो पैसा खर्चा हो चुका है ये पैसा फिर दे देगा, कौन देगा, जो मेन कैशियर है, मेन कैशियर जो है इसको 315 रुपये खर्चा हो गया उसको दे दिया। अब फिर इसके पास 2,000 रुपया हो गया, अब कहेगा कि इस 2,000 रुपये में फिर पूरे हफ्ते का जो है आप छोटे छोटे जो खर्चे हो रहे हैं उसको पेमेंट करिए। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम, और ये सिंपल पेटी कैश बुक बनाए हैं हम लोग। हाँ बोलिए मैम, वाउचर नंबर में कुछ नहीं रहेगा, वाउचर नंबर यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा तो बेटा डालेंगे, जैसे लेजर फोलियो है ना उसी तरह से ये वाउचर नंबर, वाउचर नंबर, वाउचर क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट जो प्रूफ हमको मिलता है ना, जैसे हमने कुछ खर्चा किया कुछ खरीदा उसके बदले में जो स्लिप मिला हमें वो हमारा वाउचर हो गया, उस पर नंबर डालते जाते हैं सीरियल नंबर, या उस पर डाल के मिला रहेगा तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि इतना वाउचर नंबर है तो वहाँ पे वाउचर नंबर डालेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो इसको ऐसे खाली छोड़ देंगे। जैसे लेजर फोलियो वाला कॉलम हम लोग खाली छोड़ते हैं ना, ठीक उसी तरह से वाउचर नंबर वाला कॉलम भी हम लोग खाली छोड़ देंगे।
और यदि वाउचर नंबर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम लोग वाउचर नंबर इसमें डालते जाएंगे. इज देयर एनी डाउट? नो मैम. लास्ट में बाय बैलेंस सी बाय डी हुआ है तो होगा लास्ट में ये बाय बैलेंस ये सब बाय ही रहेगा. सॉरी ये सब बाय ही रहेगा बेटा. ये सब बाय रहेगा. पैसा हमारा बाहर जा रहा है. ये सब हमारा पैसा बाहर जा रहा है ना बेटा. सब हम पेमेंट कर रहे हैं. इधर पेमेंट देखिए लिखा ना अमाउंट पेड. पे करेंगे तो बाहर जा रहा है. सब बाई करके दिखा देंगे. अमाउंट रिसीव होगा यानी पैसा आ रहा है तो यहाँ पे टू करके दिखा देंगे. ठीक है तो मैम इधर डेबिट उधर क्रेडिट. हाँ यही अंतर है. सिंपल जो कैश बुक हम लोग बनाते हैं और जो सिंपल पेटी कैश बुक बनाते हैं यही अंतर है. जो कैश बुक सिंपल कैश बुक बनाते हैं तो उसका डेबिट कॉलम अलग होता है और क्रेडिट कॉलम इस साइड होता है ना. लेकिन सिंपल पेटी कैश बुक में ये पर्टिकुलर वाला कॉलम और डेट वाला कॉलम जो सेम रहता है. हमने डेट का कॉलम नहीं बनाया है. डेट का कॉलम चाहे इधर डाल दे चाहे बीच में कहीं डाल सकते हैं. इस सिंपल कैश बुक में मैम इसमें वन डालेंगे ना. हाँ पर्टिकुलर के बगल में हम लोग डेट का कॉलम डाल सकते हैं. क्योंकि इसमें डेट नहीं था इसलिए हमने डेट का कॉलम हटा दिया. इसमें डेट वाला कॉलम भी डाल सकते हैं. जैसे यहाँ इसी बना दे रहे हैं. ये अमाउंट रिसीव्ड है तो ये हो गया लेडजर फोलियो और ये कॉलम हो गया हमारा डेट का. ये डेट अमाउंट रिसीव्ड लेडजर फोलियो ये डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर अमाउंट पेड. तो ये डेट और ये पर्टिकुलर वाला कॉलम दोनों कॉमन रहता है. माने ये डेबिट में भी काम करेगा और क्रेडिट में भी काम करेगा. जब अमाउंट रिसीव होगा तो इधर दिखाएंगे. इधर अमाउंट का एक कॉलम बनाए हैं स्टार्टिंग में इधर दिखाएंगे. और जब अमाउंट को पेमेंट करना होगा तो हम लोग इधर दिखाएंगे. ये क्रेडिट साइड हो गया. पेमेंट जब पेमेंट करेंगे तो बाई करके दिखा देंगे. अमाउंट रिसीव करेंगे तो टू करके लिखेंगे यहाँ लेकिन अमाउंट इधर दिखाएंगे. ये सिंपल पेटी कैश बुक है. और दूसरा होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक. जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक होता है इसमें एनालिसिस भी किया जाता है. कैसे किया जाता है? बाकी यहाँ से यहाँ तक तो सेम फॉर्मेट रहेगा लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे कॉलम उसमें जोड़ने पड़ते हैं. आइए इस बड़ा वाला कॉलम हम लोग बनाते हैं. बड़े साइज में ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी. यहाँ से दिख रहा है ना? यहाँ दिख तो रहा है. ये जो हम लोग कैश बुक बना रहे हैं ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक बना रहे हैं. एनालिटिकल पेटी कैश बुक. ये दिख रहा है ना? चलिए तो सबसे पहला कॉलम होता है अमाउंट रिसीव्ड. यहाँ पे ये अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम हो गया. जो पैसा मिलेगा स्टार्टिंग में मेन कैशियर के द्वारा पेटी कैशियर को. उसके बाद एक डेट ये डालेंगे लेडजर फोलियो. ये LF हो गया. उसके बाद एक कॉलम डालेंगे डेट का. ये डेट हो गया. उसके बाद एक बड़ा सा. हाँ बोलिए. एनालिटिकल में डेट रहेगा. हाँ डेट वाइज जो खर्चा करते हैं ना बेटा तो डेट जरूर डालते हैं. डेट दिया रहेगा तो डेट डालेंगे. डेट नहीं दिया रहेगा तो नहीं डालेंगे. जब यूज होगा इसका तो करेंगे. नहीं यूज होगा तो छोड़ देंगे. कॉलम खाली छोड़ देंगे. और एक कॉलम हो गया पर्टिकुलर का. एक कॉलम हो गया वाउचर नंबर का. और एक कॉलम हो गया अमाउंट पेड का. अब उसके बाद यहां से एनालिसिस. ये एनालिटिकल यहां से शुरू होता है. यहां से एनालिसिस करना हम लोग शुरू करते हैं. कैसे करते हैं?
तो इसमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कॉलम बना देते हैं, जैसे यहां पे लिखते हैं एनालिसिस ऑफ पेमेंट, एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स लिखते हैं। कैसे पेमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने पोस्टेज के लिए पेमेंट किया, पोस्टेज है, स्टैम्प्स है, कुरियर है, तो यहाँ पे उसका कॉलम लिख देंगे पोस्टेज, पोस्टेज स्टैम्प्स एंड कुरियर वाला, कुरियर वाला कॉलम हो गया है ना। उसके बाद मान लीजिए हम स्टेशनरी खरीदते हैं, तो यहाँ पे स्टेशनरी का कॉलम डाल दिए स्टेशनरी। टेलीफोन एंड टेलीग्राम, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है वो एनालिसिस पे। अच्छा ये नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है? जी मैम। यस मैम। पोस्टेज स्टैम्प्स एंड कुरियर का यहाँ पे हमने डाल दिया, स्टेशनरी का यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे टेलीफोन एंड टेलीग्राम यहाँ पे हमने कर दिया एक कॉलम, टेलीफोन एंड टेलीग्राम। टेलीग्राम वाला तो आज का सिस्टम ही नहीं रहा, लेकिन पहले होता था। मैम इसमें सबका अलग अलग रहेगा? हाँ जो भी पेमेंट करेंगे सबका अलग अलग कॉलम डालते जाएंगे। और जिसके लिए हम कॉलम नहीं बना पाए, मान लीजिए हमारे पास जगह नहीं है, किसी कारणवश कोई आइटम जो है हमसे छूट गया, उसके लिए अलग से कॉलम नहीं बना पाए, तो उसको हम लोग एक अलग अकाउंट में डाल देते हैं, कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, MISC मिसलेनियस एक्सपेंसेस। जिसके लिए कहीं कोई कॉलम नहीं बन पाया उसको हम लोग कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम यहाँ पे डाल दिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बहुत सारे कॉलम हैं, तो हमारे पास मान लीजिए जितनी जगह है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बना लिया जगह कि इतना इतना पेमेंट करना है। यहाँ पे हमने डेट दिया, अमाउंट रिसीव्ड, लेजर फोलियो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चौड़ा करना पड़ेगा, यही वाला इसको ऐसे लाना पड़ेगा ऐसे। तो हमने लिखा अमाउंट रिसीव, लेजर फोलियो, डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया वाउचर नंबर। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, अमाउंट पेड। और जो अमाउंट पेड वाले में अमाउंट दिखाएंगे ना, अब देखेंगे कि वो इधर कॉलम बना है कि नहीं, उस कॉलम में दिखाएंगे। जिसके लिए कोई कॉलम नहीं है उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में दिखा देंगे। अब जैसे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन हम लोगों ने जो लिखा है, आप लोग उस क्वेश्चन को एक बार देखिए। क्वेश्चन पहुंचा है आप लोगों के पास ना? यस मैम। यस मैम। इसमें एक और स्टेशनरी की जगह पे यहाँ पे हम लोग कैरेज डाल देते हैं, कैरेज। जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डालते हैं कैरेज एंड कार्टेज, उसके हिसाब से कॉलम हम लोग बनाते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है प्रिपेयर पेटी कैश बुक इन एनालिटिकल फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इम्प्रेस सिस्टम। कह रहा है कि इम्प्रेस सिस्टम के आधार पे आपको पेटी कैश बुक बनाना है, जो कि ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। और पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है
कि received रुपीज 600 from head cashier, head cashier से जनवरी 2020 डेट हम लोग ऊपर डाल दिए, मंथ है जनवरी, ईयर है 2020। अब उसके आगे डेट नीचे लिखा हुआ है, 1 जनवरी को हमें 600 रुपया मिला हेड कैशियर से, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट इधर लिखेंगे जो अमाउंट रिसीव्ड वाला कॉलम है, कितना रुपीज 600। इसको थोड़ा सा नीचे ही लिखते हैं, यहाँ पे डेट डालते हैं 1 जनवरी टू कैश अकाउंट, हेड कैशियर से हमें 600 रुपया मिला, हमने यहाँ दिखा दिया। रिसीव होगा तो इधर दिखाएंगे, पेमेंट करेंगे तो उधर दिखाएंगे। फिर 2 जनवरी को कह रहा है पेड कुरियर चार्जेस रुपीज 25, हमने पेमेंट किया ना, तो पेमेंट करेंगे तो इधर, और जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाई, 2 जनवरी बाई कुरियर चार्जेस। और देखिए यहाँ पे हम अलग अलग पोस्टेज स्टैम्प्स एंड कुरियर वाला यहाँ पे लिखे हैं ना, कुरियर वाला यहाँ, तो यहाँ पे भी दिखाएंगे जो अमाउंट पेड है यहाँ पे भी 25 दिखाएंगे, और जो इसका अलग से कॉलम बनाए हैं यहाँ पे भी 25 दिखाएंगे, और बाकी जिसमें नहीं दिखाए यहाँ पे ऐसे डैश करके रख देंगे। उसके बाद 3 जनवरी को कह रहा है पेड कार्टेज रुपीज 40 एंड बस फेयर रुपीज 20, तो यहाँ पे डेट डालेंगे 5 और लिखेंगे बाई कैरेज, लिखा है ना बाई कैरेज, तो 40 रुपीज यहाँ दिखा देंगे, और इसी डेट में बाई बस फेयर, तो बस फेयर के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस का हम लोग अलग से कॉलम बनाए हुए, ये है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कितना हमने पेमेंट किया था बस फेयर का, कार्टेज का हमने 40 दिया है और बस फेयर का 20 दिया है, 20, तो बस ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हम लोग डाल देंगे 20 रुपीज। सॉरी इसको नीचे डालना पड़ेगा ना थोड़ा सा, ये बस फेयर यहाँ पे 20 दिखा दिए, और कैरेज हमने यहाँ पे 40 दिखाया, और कैरेज वाले भी यहाँ भी हमें 40 दिखाना पड़ेगा। हाँ बोलिए। नहीं मैम वही छूटा था, वही पूछना था। उसके बाद फिर 7th को कह रहा है पेड टोंगा फेयर रुपीज 20 और पोस्टेज रुपीज 35, 7th को, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई पोस्टेज के लिए कितना पे किया 35, तो हम यहाँ पे लिख दिए 35। अब देखिए पोस्टेज के लिए यही पोस्टेज स्टैम्प्स और कुरियर का हम लोग एक ही कॉलम बनाए हैं, तो यहाँ भी 35 दिखा देंगे, और इसी डेट में तांगा दिया है, तांगा फेयर, तो तांगा मैंने कैरेज और कार्टेज वाले में यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं इसको कितना 20 रुपीज, तो 20 रुपीज यहाँ दिखाए, और ये कैरेज एंड कार्टेज वाले में यहाँ पे हम लोग दिखा दिए 20 रुपीज। उसके बाद 10th को कह रहा है पेड स्टेशनरी रुपीज 40 एंड रिफ्रेशमेंट रुपीज 70 रुपीज। स्टेशनरी के लिए हम लोगों ने कॉलम तो बनाया नहीं है, बनाया मैम, बनाया कहाँ है, उसी को मिटा करके हम लोगों ने ट्रैवलिंग टेलीफोन के पीछे, टेलीफोन और टेलीग्राम हमने किया है, इसको मिसलेनियस में डाल दिया जाए, नहीं तो टेलीफोन और टेलीग्राम वाला ही हटा करके यहाँ पे स्टेशनरी ही कर दिया जाए, टेलीफोन चार्जेस को फिर मिसलेनियस में डालना पड़ेगा, ये मान लीजिए स्टेशनरी का कॉलम हो गया। तो बाई स्टेशनरी 40, डेट है 9/10/10, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई स्टेशनरी 40 रुपीज, यहाँ पेमेंट कर रहे हैं पेड अमाउंट 40, और इसके लिए इसके ठीक सामने स्टेशनरी वाले में भी 40 दिखा दिए, और इसमें रिफ्रेशमेंट भी है ना, डेट तो सेम रहेगा लेकिन रिफ्रेशमेंट के लिए हमने कहीं कोई कॉलम नहीं बनाया है, तो इसको मिसलेनियस में डाल देंगे बाई रिफ्रेशमेंट, कितना अमाउंट दिया है रिफ्रेशमेंट के लिए 70 रुपीज़, रिफ्रेशमेंट के लिए 70 रुपीज़ दिया,
तो जिसके लिए हम कॉलम ना बना पाए ना बेटा, उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में दिखा देते हैं 70 रुपीज। उसके बाद 13th को कह रहा है पेड चौकीदार 50 एंड टैक्सी फेयर 40। 13 को चौकीदार को पे किया ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई चौकीदार, और चौकीदार के लिए कहीं अलग से हमने कॉलम तो बनाया नहीं। चौकीदार को हमने कितना पेमेंट किया, 50 रुपीज। तो यहाँ पे हम 50 दिखाते हैं, अमाउंट पेड वाले में 50, और ठीक इसके सामने मिसलेनियस में दिखा देंगे 50। और इसी दिन हमने टैक्सी फेयर भी दिया, तो लिख देंगे बाई टैक्सी फेयर। और ट्रेवलिंग एक्सपेंस का हम लोग कॉलम बनाए हुए हैं, टैक्सी फेयर का हमने कितना पेमेंट किया, 40 रुपीज। तो यहाँ भी 40 दिखा दिए। और एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस का एक थे कॉलम हम लोग बनाए ना यहाँ पर, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाले में भी हम अमाउंट दिखा देंगे 40। उसके बाद 16th को कह रहा है पेड एसटीडी चार्जेस 25 एंड कूली रुपीज 20। 16 को भाई टेलीफोन चार्जेस एसटीडी लिख देंगे, टेलीफोन चार्जेस और टेलीफोन के लिए हम अलग से नहीं बनाए, इसी में मान लेते हैं पोस्टेज स्टैम्प्स है और कुरियर। अपना मोबाइल म्यूट करो विश्वजीत सिंह। मम्मी बहू जी 25 हमने पेमेंट किया, एसटीडी चार्ज किया 25 और कुली को दिया 20। तो यहाँ पे 25 और 20, यहाँ पे बाई कुली दिखा देंगे। और हमने इसके लिए कहीं कोई नहीं बनाया, टेलीफोन के लिए नहीं बनाया है कहीं, तो इन दोनों को जो है हम लोग यहाँ दिखा देंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, ये 25 और ये हो गया 20, इधर दिखा देंगे। उसके बाद 50 और सोप रुपीज 20। 20 तारीख को हम लोगों ने साबुन खरीदा तो भाई सोप, और हम लोगों ने प्रिंटिंग भी कुछ कराया तो भाई प्रिंटिंग। अब इधर जगह नहीं है, इधर बढ़ाएंगे तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमने नहीं बढ़ाया। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी का है ना, इसमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इसको कर दिया जाए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो प्रिंटिंग वाले को इसमें दिखा देंगे 100। हमने खरीदा तो ये तो इसके लिए हमने कुछ डाले नहीं, मैं अलग से अकाउंट नहीं बनाया है 20 रुपीज, और इसको हम लोग यहाँ मिसलेनियस में दिखा देंगे 20 रुपीज। और प्रिंटिंग कितने का कराया हमने, 50 रुपीज का, तो प्रिंटिंग के सामने यहाँ पे 50 लिख दिए। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक थे कॉलम हम लोगों ने बनाया यहाँ पे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के स्टेशनरी वाला अमाउंट दिखा देंगे 50 रुपीज। इस तरह से करके हम लोग एनालिसिस करते हैं। और क्या, अभी तो कई सारा है, हमारे पास जगह भी कमी है, कार्टेज है, बस फेयर है, दो चीज और है, आ जाएगा नीचे लिखेंगे तो दिखाई देगा ना। यस मैम, छोटा छोटा लिखेंगे थोड़ा। 25 को इसने कार्टेज पे किया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई कार्टेज। और क्या पे किया, बस फेयर, इसी डेट में लिख देंगे बाई बस फेयर। तो कैरेज एंड कार्टेज का हम लोग अलग से कॉलम बनाए हैं ना बेटा, तो जो कार्टेज वाला पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया कार्टेज का, 20 रुपए। यहाँ पे कार्टेज के सामने यहाँ भी 20 लिखेंगे, और कैरेज एंड कार्टेज वाले में भी 20 रुपीज दिखा देंगे। बस फेयर है, बस फेयर हमने पेमेंट किया 30 रुपीज, तो इसके सामने 30 लिखेंगे। और ट्रेवलिंग एक्सपेंस वाले कॉलम में, ट्रेवलिंग एक्सपेंस वाले कॉलम में हम लोग दिखा देंगे 30 रुपीज।
उसके बाद 28 को स्टेशनरी पे कर रहा है, पेड स्टेशनरी 28 को, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई स्टेशनरी, बाई स्टेशनरी। और इसी डेट में पोस्टेज भी है, बाई पोस्टेज 20 रुपीस, बाई पोस्टेज 20 रुपीस। तो स्टेशनरी का पेमेंट हमने किया 30 रुपीस का, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। और स्टेशनरी वाले कॉलम में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ चला गया, 1, 2, 3, यहाँ पे 30 रुपीस दिखा देंगे। और पोस्टेज वाले कॉलम में 20 रुपीस है। यस मैम। तो इसको जो है पोस्टेज एंड स्टैम्प्स वाला यहाँ पे लिखे ना, ये पोस्टेज स्टैम्प्स एंड कुरियर वाला, तो यहाँ पे 20 रुपीज यहाँ पे दिखा देते हैं, बाकी ये सब कॉलम हो गया। तो इस तरह से हम ट्रांजेक्शन को इसमें रिकॉर्ड करते हैं। जब ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हो गई तो इसको जो अमाउंट पेड वाला अमाउंट है ना, ये सबको एक बार टोटल कर लेंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे कि कितना हुआ। और जो अलग अलग इधर एनालिसिस ऑफ पेमेंट किए हैं ना, यहाँ पर अलग अलग कॉलम बना करके सबका अलग अलग टोटल निकाल करके, यानी जो पोस्टेज स्टैम्प कुरियर है, कैरेज एंड कार्टेज है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस